मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते डेढ़ साल बाद स्कूल के ताले खुले हैं। इतने दिनों तक बच्चों ने घर रहकर पढ़ाई पूरी की, ऐसे में जब स्कूल खुले तो बच्चों के सामने शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। शाजापुर जिले के सुंदरसी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केवल एक ही स्थायी रूप से व्याख्याता मौजूद है, जिन्हें प्रभारी प्राचार्य की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनका भी स्थानांतरण कर दिया। प्रभारी प्राचार्य के स्थानांतरण से नाराज विद्यार्थियों ने आज स्कूल में ताला जड़ दिया और सुंदरसी अकोदिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बच्चों की मांग थी प्रभारी प्राचार्य का तत्काल स्थानांतरण निरस्त किया जाए। बच्चों ने नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश में कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं डेढ़ साल बाद 26 जुलाई से प्रारंभ की गई, वहीं 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से और आज से कक्षा 6 से 8 तक प्रारंभ की गई। इतने दिनों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। स्कूल खुलते ही बच्चे खुश हो रहे थे क्योंकि वो अब पढ़ाई कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है और भगवान भरोसे स्कूल चल रहे हैं। ऐसा ही एक स्कूल शाजापुर जिले के सुंदरसी में स्थित है। सुंदरसी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के सारे पद खाली पड़े हैं। स्कूल में केवल एक ही स्थायी शिक्षक है। शिक्षा विभाग ने प्रभारी प्राचार्य रामराव जाधव का स्थानांतरण भी कर दिया, जिससे स्कूल के बच्चे नाराज हो गए क्योंकि प्रभारी प्राचार्य स्कूल में शिक्षकों के पद खाली होने के बाद भी 10 अतिथि शिक्षकों के सहारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा रहे थे। लंबे समय के बाद स्कूल खुले और बच्चों को पता चला प्रभारी प्राचार्य का स्थानांतरण हो गया है, तो नाराज बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और सुंदरसी अकोदिया मार्ग पर चक्का जाम करते हुए प्रभारी प्राचार्य के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की। नाराज बच्चों ने जमकर नारेबाजी भी की। बच्चों की समझाइश के लिए नायब तहसीलदार अजय अहिरवार मौके पर पहुंचे और उन्हें प्रभारी प्राचार्य के स्थानांतरण को निरस्त करने का आश्वासन दिया। बच्चों ने नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सुंदरसी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थायी व्याख्यात बाकी सारे पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। स्कूल में 10 अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है, ऐसे में एकमात्र स्थायी व्याख्याता का भी स्थानांतरण कर दिया गया। विंध्य किरण के लिए शाजापुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे स्कूल के सिर्फ एक ही परमानेंट टीचर है, जो जाधव सर है, उनका ट्रांसफर किया गया है शासन द्वारा। हम उन शासकों को रुकाना चाहते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में एनसीसी उन्हीं के द्वारा आ रही है। अगर वो सर का ट्रांसफर हो जाएगा तो एनसीसी नहीं आएगी, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारे यहाँ सुंदरसी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसके प्रिंसिपल जाधव सर, उनका तबादला हो चुका है और इसको रोकने के लिए हमने यहाँ सड़क पे जाम लगा हुआ है। जब तक हमारा सरकार हमारी वो नहीं मानेगी मांग, जब तक हम ये स्कूल नहीं खुलने देंगे, और स्कूल जब तक 3 हो या 4 दिन तब तक स्कूल नहीं खुलेगा, जिससे हमारी यहाँ स्कूल की अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रभावित हो रही है। परमानेंट टीचर हमारे जाधव सर प्रिंसिपल थे हमारे, जिनका सरकार तबादला कर रही है और हमारा तबादला होने जाने से हमारे स्कूल में पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमें हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला रोकना है, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं और जब तक सरकार हमारे तबादला कैंसिल नहीं करेगी हमारे प्रिंसिपल का, तब तक स्कूल पर ताला लगा रहेगा। भले कितने 3 दिन 4 दिन कितने दिन हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। शायद कल की जानकारी मुझे मिली अभी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल महोदय है उनका स्थानांतरण के अन्यत्र हो चुका है, जिसके विरोध में बच्चों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनका स्थानांतरण रुक जाए।